नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनका सच। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? सुरेश राणी। मैम कब से जुड़े हो आप डेरा से? 40 साल हो गए जुड़े। मैम 40 साल आपको हो गए हैं, कैसा माहौल देखा है आपने डेरे के अंदर? भी इतना बढ़िया माहौल देखा भी और कहीं भी नहीं है जब माहौल देखा जी। मैम आप कह रहे हो कि इतना अच्छा माहौल देखा है आपने संत जी के यहाँ, मगर मीडिया चैनलों पर जो भी दिखाया गया क्या मानना है? बिल्कुल गलत दिखाया गया जी, बिल्कुल झूठ दिखाया गया, डेरे नु बदनाम किया। इतने इन्ना सच है भी यह जहाँ सच में कहीं भी नहीं देखा अभी तक। मैम आप कहते हो कि संत जी के यहाँ पर इतना अच्छा कार्य करा जाता है, महिलाएं जब आप जाते हो क्या लगता है सुरक्षित है वहाँ? हाँ जी, इतना सुरक्षित है अभी, घर भी नहीं हमें इतना सुरक्षित है। हमारी बेटियाँ भी आती हैं, बहुएँ भी आती हैं, कितना सारे फील होता है अभी इतना। कभी किसी ने आज तक जवानी 40 साल हो गए मैंने डेरे मान दी ना, किसी ने मैं आज तक टच नहीं करे, इतना अच्छा माहौल है भी मैं दस नहीं सकती, बहुत बढ़िया। मैम संत जी के जो यहाँ पर संत जी के डेरे में या संत जी ने क्या मानवता भलाई के कार्य करवाए जी? इतने काम करे हैं भी बता नहीं सकते। देखो जी भी गरीबा के मकान पाने, गरीबा का कोई इलाज कराना, कोई मतवल जी गरीबा नू मकान बना के देना, ते बीमारी है कोई ठीक कराना, इस तरह भी भलाई दे काम करे हैं जी गरीबा लिए बहुत ज्यादा। मैम इतने सारे अच्छे काम किए हैं संत जी ने, आज समाज को जरूरत है संत जी की लगता है? हाँ जी बहुत जरूरत है जी, भी साढ़े पिता जी आन ते हूँ भी साढ़े भलाई दे काम चलन, ते असी सरकार मूहरे ही बेनती करते हैं जी। मैम संत जी आज समाज में नहीं है, क्या बुराइयां फैल रही हैं? भी इतनी बुराई फैल रही है जी असी दस नहीं सकते, ते असी इतने दुखी हैं भी असी नहीं कर सकते। आज भी अपने गुरु के लिए तड़पते हो मैम आप? बहुत तड़पते हैं जी, बहुत जल्दी चाहते हो कि वो वापस आ जाए? हाँ जी हाँ, बहुत जल्दी। क्या दिया है मैम आपको जो आज भी आप कह रहे हो विश्वास कर रहे हो? इतना दिया है जी भैया, ऐसी कोई बयान नहीं कर सकते, इतना कुछ मिला ऐसा नहीं। सरकार से क्या अपील करोगे मैम? सरकार से अपील करते हैं भी हमारे गुरु को जल्दी से जल्दी बाहर आए, ते भलाई के काम करा, ऐसी संगत भी करे, ते हमारा पिताजी करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लड़की वहाँ पर कितनी सुरक्षित है, लगातार लोग सामने आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि लड़कियाँ यहाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं। साथ ही जो भी डेरा सच्चा सौदा में जाता था उसको माहौल का वो पता है और वो आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है, यानी कि वहाँ पर कभी कुछ गलत नहीं होता था। ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।